नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो बताते चले, झारखंड में सहायक अध्यापकों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए हैं और वे जो जेटेड पास पारा शिक्षक है उनके स्थायीकरण के लिए एक नियमावली की मांग की है, जिसके तहत यहाँ पर सभी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण किया जा सकता है, जिसके लिए यहाँ पर जो है 4200 और 4600 पे ग्रेड का भी डिमांड किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ पर 2015 में नियुक्तियाँ हुई है उसी के तर्ज पर डिमांड किया जा रहा है। देखिए क्या कुछ होता है। तो इसमें बताया गया है कि सहायक अध्यापकों का यहाँ पर जो है कि नियमितीकरण किया जाए और जो जेटेड पास है उनका किया जाए। इसके लिए उन्होंने डिमांड किया है कि जेटेड का मार्क्स और यहाँ पर डीपी या डीएलएड जो किए हैं उसके अंकों के आधार पर मेरिट बना करके किया जाए, जिससे कि यहाँ पर सारे शिक्षक जो हैं पहले 2015 के जो शिक्षक बहाल हैं उसके आधार पर यहाँ पर इनका स्थायीकरण कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा शिक्षक नहीं बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगभग 13 से 14 हज़ार शिक्षक हैं और दोनों में मिलाकर के ऐसे कहा जाता है तो 16 हज़ार शिक्षक, यानी देखा जाए तो शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है। तो इतने शिक्षकों का पद ऐसे भी आ रहा है और इनको स्थायीकरण करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो इस प्रकार का मांग चल रहा है, देखते हैं सरकार क्या कुछ इस पर सुधि लेती है और किस तरह से यहाँ पर सहायक अध्यापकों की मांग को पूरा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर जानकारी और तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरह के कंटेंट आते रहते हैं।